मोहम्मद सुलेमान चौधरी आईपीएस, मैं इनकम क्वालिफाई करने के उपरांत इनको आईपीएस कैडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से नवाजा गया। इन्होंने लॉर्ड 1978 में कठुआ की धरती पे इनका जन्म हुआ। इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी हॉर्टिकल्चर और डॉक्टर। इनका जन्म सन 1962 में जिला उधमपुर नीली नाला में हुआ। इनकी पूरी हमारी ये प्यारी बेटियां मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ गवर्नमेंट कॉलेज, पीजी कॉलेज बॉयज उधमपुर, एनएसएस यूनिट मंच की ओर तरुण शर्मा और अतुल खजूरिया की अगुवाई में मंच गिल्लू चुप कर मड़ा, नहीं रोंदे गिल्लू। हेलो, सवेरे दे फोन करा नी, ए पता नहीं चलदा घर इक मुड़ा बीमार पेदा, कन्ने कुसे स्याने की पिरोते हैं। योग सब रोगों का एक ही समाधान। योग करो सुबह और शाम। योग जीवन का बेहतर। उठा रहा है इस समय जिला उधमपुर में एक साथ कई विकास परियोजनाएं पर काम चल रहा है, जैसे देवका प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट NH 44, NH 244, डिजिटल लैंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल योगा कन्वेंशन सेंटर मानतलाई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर, जल जीवन मिशन उधमपुर, साइलेंट बेस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मांड उधमपुर, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टूरिज्म विलेज एट पंचारी कुलवंता और मानतलाई, कई बड़ी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और जनता को समर्पित भी किया जा चुकी हैं। मुझे विश्वास है कि ये परियोजनाएं हमारे जिले को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि यूटी प्रशासन के साथ साथ जिला उधमपुर ने आम जनता के लिए कई जरूरी पहल की है, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, डिप्टी कमिश्नर उधमपुर द्वारा जिला उधमपुर के हर ब्लॉक में जाकर ब्लॉक दिवस और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करने के और मौके पर ही जनता की शिकायतों का निवारण करने का कार्य सराहनीय है। इन कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के अलावा BDC चेयरपर्सन, DDC काउंसलर और सभी PRI मेंबर की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इन कार्यक्रमों द्वारा लोगों को सभी सरकारी योजनाओं की जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि सभी लोग योजनाओं का लाभ भरपूर ले सकें। माननीय केंद्रीय मंत्री का आउटरीच प्रोग्राम, प्रिय नागरिकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान चार मंत्रियों ने 7 स्थानों पर जाके BDC अध्यक्ष, DDC काउंसलर, PRI मेंबरों के साथ आम जनता के साथ बातचीत की और उधमपुर जिले के विकास के लिए जमीनी स्थिति का आकलन किया। एग्रीकल्चर सेक्टर, उधमपुर जिले में 65,208 किसान परिवारों में से 59,227 परिवारों को PMA किसान योजना में एलिजिबल हैं। इनमें से 48
1143 को किसान से केसीसी से जोड़ा गया है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर हाई डिनेस्टी प्लांटेशन के तहत लाभार्थियों के पक्ष में 102.50 लाख की सब्सिडी जारी की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान 37,080 हेक्टर भूमि पर एलवेरा और स्ट्रॉबेरी जैसी फसलें लगाई गई हैं, जैसे लाभार्थियों के पक्ष में 35.735 लाख रुपए की सब्सिडी जारी की गई है। देवका प्रोजेक्ट, इस परियोजना का काम पूरे जोरों पर है, जिसे जून 2022 तक पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देवका घाट परियोजना के प्रथम चरण का काम पूरा हो गया है और इसे नगर परिषद उधमपुर को सौंप दिया गया है। सीवरेज नेटवर्क का काम 50% से ज़्यादा हो गया है और 3 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्वच्छ पेयजल, प्रिय नागरिकों, जल जीवन मिशन के तहत जिला उधमपुर के लिए 150 नई परियोजना तैयार की गई हैं, जिनकी अनुमति लागत 998.69 करोड़ रुपये है। सभी परियोजनाओं की टेंडरिंग शुरू कर दी गई है और जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी एंड आरएनबी सेक्टर, जिला उधमपुर में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने 15 परियोजनाओं को पूरा कर जिला कर लिया गया है, जिनकी कुल लागत 1791.73 लाख है। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में 1 मेडिकल कॉलेज सैंक्शन किया गया है वैली विलेज में 214.3 कनाल। मोहम्मद सुलेमान चौधरी, IPS।